स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर्वेश रसोई में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुपर हिट लाजवाब रेसिपी, लौकी का हलवा, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लौकी का झटपट से हलवा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने ये लौकी ली है, अब इसे छील लेंगे। लौकी को छील लिया है, अब इसे काट लेंगे। इसके बीच के पार्ट को अलग कर लेंगे और हमें सिर्फ हरा वाला पार्ट लेना है इसका। लौकी को काट लिया है, अब गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, गैस को कर देंगे ऑन और उसमें डालेंगे 2 गिलास दूध। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं या फिर गर्म हो वो भी ले सकते हैं, भैंस का या फिर गाय का। दूध में उबाल आने के बाद इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब गैस पर रखेंगे कुकर, कुकर को गर्म होने पर डालेंगे 2 चम्मच घी, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर डालडा घी। ये लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, 4 बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश। इन्हें कुकर में डाल के थोड़ा सा सुनहरा भून लेंगे, जिससे इनका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डाल लिए हैं इसमें से, अब कुकर गर्म है, इसमें डाल देंगे लौकी। लौकी को अच्छे से भूनना है, इसे 5-10 मिनट तक भूनेंगे ऐसे ही घी में अच्छे से, ताकि जो लौकी का कच्चापन है वो निकल जाए। लौकी को 5 मिनट अच्छे से भून लिया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 गिलास दूध। दूध को मिक्स कर देंगे, अब कुकर का लगा देंगे ढक्कन और इसमें 2 सीटी आने तक पकाएंगे इसे, ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। जो हमने दूसरी कढ़ाई पे दूध रखा था उसमें उबाल आ चुका है और ये गाढ़ा भी हो रहा है, और इसे बीच बीच में अब हम लेंगे 1 कप चीनी और लेंगे मिक्सी का जार। जार में डालेंगे चीनी और 2 इलायची और 5 काजू लिए हैं, इन्हें पीस लेंगे। चीनी को अच्छे से पीस लिया है। 2 सीटी के आने के बाद कुकर खोल लिया है और लौकी गल चुकी है। अब एक रई या फिर आप गोटा ले लें, उससे इसे घोट दें, अच्छे से मैश कर दें लौकी को। जैसे हम रायता बनाते हैं उसके लिए फोड़ते हैं लौकी, वैसे ही इसे भी फोड़ देंगे अच्छे से। हमने जो दूध गाढ़ा किया था उसकी रबड़ी बन गई है। लौकी को अच्छे से मैश कर लिया है। जिस कढ़ाई में हमने रबड़ी बनाई थी वो रबड़ी निकाल ली है अलग एक कटोरी में, अब इसमें डाल देंगे लौकी। अब इसमें डाल देंगे चीनी और अच्छे से मिक्स कर देंगे चीनी को। अब इसे 5 मिनट तक और पकाएंगे चलाते चलाते अच्छे से। 5 मिनट हो गए इसे चलाते चलाते और ये गाढ़ा हो गया है। अब डालेंगे इसमें फ्रूट कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, इसमें डाल देंगे जो रबड़ी हमने बना के रखी थी वो, और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। हलवा बनकर तैयार है, अब गैस को कर देंगे बंद। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सुपर डुपर सा हलवा बनकर तैयार है हमारा, बिना घिसे और बिना मावा के। कितना टेस्टी और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी हलवा लगेगा और इतनी जल्दी आसानी से बन जाएगा। और गृहिणी का काम तो वैसे भी बहुत मुश्किल भरा होता है, तो आप टाइम बचाते हुए इस हलवे को ज़रूर बनाएं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए